हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको इस बहुत ही सुंदर सैकुलेंट प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम एप्टेनिया कॉर्डिफोलिया है। इसको हम कॉमन नेम बेबी सनरोज के नाम से भी जानते हैं। ये है तो वैसे सनरोज बेबी जो है सैकुलेंट प्लांट, और गर्मियों का सीजन सैकुलेंट्स के लिए सदमे से कम नहीं होता। बट इस प्लांट के लिए ना गर्मियाँ जो है ग्रोइंग सीजन होता है। ये गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रो होता है और ये फुल सन लविंग प्लांट है। इसको गर्मी में 4-5 घंटे की सनलाइट तो चाहिए ही, और विंटर्स में फुल डे की इसको सनलाइट चाहिए। और गर्मी भर इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, जिसके जो 3 कलर में आते हैं, एक तो रेड और एक पिंक, डार्क पिंक मजेंटा कलर, और एक येलो कलर। ये मेरी वैरायटी है ये फ्लावर की, इसमें मजेंटा कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं और वो पूरी गर्मी भर आते हैं। इसकी 2 वैरायटी होती हैं, एक तो ये प्लेन जो कि मेरे पास है, और एक दूसरा आता है जिसकी वेरिएशन होती है। इसके लीव्स में 2 कलर की होती हैं, वो उसमें वाइट और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है। वो पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती है। वो मुझे मिली ही नहीं, ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है और मैंने इस प्लांट से कटिंग करके बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। इसकी ये सैकुलेंट से इसकी पत्तियों का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पूरा वाटर फिल्ड होती हैं ये, तो इसलिए ना ये नीचे की तरफ हैंग करती हैं, लटकती हैं, तो इसलिए हैंगिंग बास्केट के लिए ये बेस्ट प्लांट है। बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट्स में ये। और इसको सैंडी सॉइल पसंद है। इसकी जो सॉइल मिक्सचर होगा उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग में इसकी लीव जो है गलने लगती हैं। इस तरह से देखिए ये पत्तियाँ इसकी गलने लगती हैं और ख़राब होने लगती हैं। इसमें ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है, और इसको मिस्टिंग या पानी का स्प्रे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी लीव्स गल जाती हैं सब, तो इसकी लेकिन इसकी सॉइल जो है ना मॉइस्चर लविंग है, तो इसमें आप कोकोपीट या कोई ऐसी चीज़ जिससे मॉइस्चर होल्ड रहे वो इसकी सॉइल में ज़रूर मिक्स करें, और सैंड की मात्रा भी ज़्यादा रखें ताकि वेल ड्रेन रहे। और इसमें जो है ये पेस्ट्री है, इसमें कभी कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता, बट इसमें मिलीबग का कभी कभी अटैक हो जाता है फरवरी मार्च में, तो आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और इसको लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बस आप ग्रोइंग सीजन में इसको 2-3 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वही इसके लिए काफ़ी है। और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं देखिए उनका कलर ये होता है, मेरे पास जो है वो बहुत छोटे छोटे से हैं, देखिए इस तरह के फ्लावर्स हैं आते हैं। मैंने इसकी कटिंग कई जगह लगा रखी है, ये देखिए इसमें भी लगा रखी है इंडोर डेकोरेशन के लिए। और देखिए ये बास्केट भी मैंने तैयार की है, कई जगह मैंने इसकी कटिंग लगा के इसको प्रोपेगेट कर रखा है। तो ये बहुत सुंदर लगने वाला इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। बेबी सनरोज की कटिंग लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये आप कटिंग लेंगे और इसके नीचे के ये लीव्स जो है ना इस इतना हटा देंगे, ये कम से कम 2 नॉट्स तो आनी ही चाहिए मिट्टी के अंदर। इसके नीचे की कटिंग भी जो है हम ज़्यादा लंबी थी तो मैं इसको 2 कटिंग में लगाऊंगी, 2 कटिंग की तरह यूज़ करूंगी। इसमें तो 3-4 नोड्स आ रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी है, मैं इसमें 1 और कटिंग बना लेती हूँ। नीचे की पत्तियों को हम हटा देंगे। ये मिट्टी प्लेन मिट्टी है एकदम, मैंने इसमें सिर्फ फंगीसाइड पाउडर मिक्स किया था, और ये बारिश के मौसम होने की वजह से मिट्टी गीली थी तो मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया है। ये कम से कम 2 नोड आनी ही चाहिए। मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स तैयार करके रखी थी क्योंकि मेरा हैंगिंग प्लांटर पूरा फिल भर चुका था,
इसमें होल करिए। रेनी सीजन में तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रूटिंग हार्मोन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही इजीली कटिंग लग जाती है। देखिए मैंने सारी कटिंग इस तरह से तैयार कर ली थी, ये नीचे की जो है लीव्स हटा दी थी और ये कम से कम 2 या 3 नोट्स आते हैं मिट्टी में, तो हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है। अधिकतर सारी ही कटिंग लगाने का तरीका यही होता है, किसी भी आप कटिंग को लीजिए और नीचे के पत्ते हटा करके 2 या 3 नोट मिट्टी के अंदर दबाकर उसको लगा दीजिए और शुरू के 2-3 दिन आप उसको छाया में रखिए, फिर आप उसको सेमी शेड में रख सकते हैं। अगर वो सनलाइट के लिए पौधा है उसको, तो आप उसको सनलाइट में रख दीजिए 4-5 दिन बाद, वरना आप उसको सेमी शेड में ही रहने दीजिए। अच्छे से ग्रो होने के बाद आप उसको देखिए, मेरी ये कटिंग लग गई है, इसी तरह से कटिंग लगानी है बस। इसके बाद आप इसमें पानी दे दीजिए, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गीली थी मेरी, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी ले लूँगी, बस इतने पानी से ही काम चल जाएगा।